पलामू में बार काउंसिल चुनाव की मतगणना हंगामे की भेंट चढ़ गई और यह सब तब हुआ जब चुनाव की पूरी प्रक्रिया लगभग संपन्न करा ली गई थी। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना भी लगभग पूरी होने वाली ही थी कि महज 26 मतों की गिनती बाकी थी कि इसी बीच पूरे परिसर में हंगामा मच गया। दोबारा चुनाव करने की मांग की जाने लगी। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि चुनाव समिति को मतगणना रोककर बक्से को सुरक्षित रखने के लिए उन पर आफत आ गई। इस पूरे प्रकरण को हमने समझने की कोशिश की। चुनाव संपन्न करने वाले पदाधिकारी, चुनावी पद के दावेदार और हंगामा कर रहे लोगों से हमने ये समझने की कोशिश की किसने क्या कहा। ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको हंगामा कर रहे लोगों की मांग दिखाते हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि जिस बैलेट पत्र पर 3 चुनाव पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए उस पर सिर्फ 1 पदाधिकारी का हस्ताक्षर है। इसके साथ ही स्टेट बार काउंसिल से नियुक्त पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में चुनाव संपन्न करने का आरोप लगाकर पुनः चुनाव की मांग की। बीच में ना तो हम लोग सर्वप्रथम यही बात बोले कि भाई चुनाव पर्यवेक्षक जो आए हुए हैं हमारे स्टेट बार काउंसिल से उन लोग को बुलाइए। तो ये लोग कहे कि थोड़ी देर में आए, लेकिन जब हम लोगों का धैर्य का बांध टूट गया तो हम लोगों ने कहा कि पहले 2 कॉलम को फुलफिल कीजिए। सभी लोग जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो कहे कि अब हम लोग जा रहे हैं, उस शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग चले कि चुनावी प्रक्रिया के अनुसार पूरे नियम को फॉलो करते हुए चुनाव दोबारा कराई जाए। चूँकि मत पत्र पर मात्र 1 चुनाव समिति के पदाधिकारी का हस्ताक्षर है। कितने लोग हैं आप लोग दोबारा चुनाव का डिमांड कर रहे हैं? हम लोग लगभग 40 लोग हैं। वहीं चुनाव संचालन समिति की माने तो ये हंगामा जानबूझकर किया गया, क्योंकि जिन्होंने हंगामा किया उन्होंने भी चुनाव में हिस्सा लिया था और बैलेट पत्र पर उस वक्त भी 1 चुनाव पदाधिकारी का हस्ताक्षर देखा होगा। पूरी मतगणना के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से कार्य होता रहा, लेकिन आखिर के 26 मत जब बचे तब ये हंगामा किया गया तो इसे हार की बौखलाहट बताई। चुनाव समिति सत्र 2023-25 का वोट का काउंटिंग चल रहा था, दो जगह काउंटिंग चल रहा था, एक जगह अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी ट्रेजरर असिस्टेंट ट्रेजरर का था और एक बूथ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी और जनरल कमिटी के मेंबर का था। जहाँ पर प्रेसिडेंट वगैरह का चल रहा था वो करीब करीब मात्र 26 वोट गिनने के लिए बाकी था। इसी बीच में कुछ उपद्रवी लोग, जिसमें क्या नाम है, शिव कुमार तिवारी, अजय कुमार पांडे, इसका न्यूटन ने नाम का है, अली जमा खान वगैरह आए और तड़ातड़ माइक वगैरह सब फेंकने तोड़ने लगे, बैलेट पेपर उठा के भीगने लगे। हम लोग किसी तरह सारे बैलेट को बक्सा में बंद करके अभी रख दिया है सुरक्षित, लेकिन उन लोग अभी भी चुनाव कक्ष से नहीं हट रहे हैं और हम लोगों को है कि अगर छोड़ के चले जाएं तो उन लोग हो सकता है जिस कक्ष में बक्सा रखा हुआ है उसको भी तोड़ के निकाल के भिगने ले जाएं, कुछ भी कर सकते हैं। उन लोग दोबारा चुनाव की मांग कर रहा है लेकिन गलत ढंग से मांग कर रहा है। उन लोगों का कहना है कि बैलेट पेपर पर सिर्फ 1 चुनाव समिति का हस्ताक्षर है, जबकि 1 मेंबर का हस्ताक्षर ही काफ़ी है। अगर यह गलत था तो उन लोग बैलेट पेपर यही लेकर के वोट देने जा रहा था, उस समय के आंख में नहीं दिखाई पड़ रही थी। 1 राउंड, 2 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 8 राउंड हुआ, उस समय तक क्या उन लोगों को यह नहीं नज़र आ रहा था कि यह एक ही सदस्य द्वारा सही किया हुआ है। जब उन लोग हारने की परिस्थिति में आ गया, करीब करीब फाइनल रिजल्ट होने जा रहा था, तब उन लोग इस तरह की परिस्थिति जानबूझकर क्रिएट किया है कि यह वोट नहीं हो। वहीं अध्यक्ष पद के दावेदार रामदेव प्रसाद यादव ने वकालत खाने में इस तरीके के हंगामे को बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। चुनाव पदाधिकारी से हंगामा कर रहे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की और कहा कि न्याय नहीं मिलती है तो अनशन पर बैठेंगे। जहाँ पर पलामू जिला अधिवक्ता संघ
डबल ग्रेजुएट का स्थल पर जिस प्रकार से हिंड्रेंस कुछ लोगों द्वारा की गई है, इसमें अजय पांडे, विनोद तिवारी और कई लोग हैं, एक श्रद्धानंद है, ये सारे लोग जिस तरह से हिंड्रेंस पैदा किया है और चुनाव नहीं कराता तो मैं आंसर पर बैठूंगा जब तक कि फैसला नहीं होती है। जब वो गलत खाने में इस तरह की हाल होगी तो सोचिए काम पब्लिक के साथ क्या होगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि साहब डीसी यहीं पर हैं, एसपी यहीं पर हैं, दोनों लोगों से बात की गई, इसके बावजूद भी ना कोई मजिस्ट्रेट भेजा गया ना कोई फोर्स भेजा गया। जो इनके साथ फोर्स भेजा गया था जब हिंड्रेंस होने लगा फोर्स नीचे भाग गई। इससे बड़ी दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अगर जब तक नहीं होगा तो मैं यहीं पर आंसर पर बैठूंगा जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है। और मैं पुनः चुनाव पदाधिकारी से मांग करना चाहता हूँ कि आप अगर इस तरह से भागिएगा इस तरह के जो हिंड्रेंस करने वालों का मनोबल बढ़ने का कार्य करेगा। यह लोकतंत्र में पहली घटना है जो 1200 साल निरंतर में इस तरह से कार्रवाई हो रही है। जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग हो रही थी, मात्र 5 लोगों ने इस तरह से हिंड्रेंस पैदा करने का काम किया है और उन्होंने कोशिश किया जो मत पेटी में जो निकले हुए थे मत उसको फाड़ने का कोशिश किया लोगों ने। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है और चुनाव पदाधिकारी को चाहिए था ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र में अपने जो अधिकार होता है उसके अंदर में कार्रवाई करनी चाहिए।